नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों में अब एक बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें, इस बदलाव के तहत अब निजी और राज्य संस्थाओं को न केवल अपने कर्मचारियों को बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों का भी टीकाकरण करने की अनुमति दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि अब वर्क प्लेस के वैक्सीनेशन सेंटर में कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल सेक्रेटरी विकास शील ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि वर्क प्लेस चाहे सरकारी हो या फिर निजी, सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को भी वहाँ वैक्सीन लगाई जा सकती है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस कोविड वैक्सीनेशन सेंटर और वर्क प्लेस CVC में होने वाले टीकाकरण में कर्मचारियों के परिवार के सदस्य या फिर उसके डिपेंडेंट भी शामिल होंगे। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि कंपनी के मालिक उन अस्पतालों से ही वैक्सीन खरीदें जिनके साथ उनका करार है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकारी कार्यालयों में 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को सीधे राज्यों की तरफ से खरीदी गई वैक्सीन डोज के जरिए कवर किया जा सकता है। आपको बता दें, सरकार ने देश के कंपनियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की मांग पर यह फैसला लिया है। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सामने ये मुद्दा उठाया था। अब ताज़ा नोटिफिकेशन में ये साफ किया गया है कि कर्मचारियों के साथ साथ कंपनी उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ले जाकर वैक्सीनेट करा सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।